जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल अहवाल हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। पेंशन रिफॉर्म्स के मुतल्लिक बड़ी अहम अपडेट है। आप जानते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट पेंशन इस्लाहात नाफज करने के लिए बहुत पुरअज़म है। माली साल 2023-24 के वफाकी बजट से पहले पेंशन रिफॉर्म्स पर पेपर वर्क शुरू हो चुका था। फिनांस रिवीजन ने पेंशन रिफॉर्म्स की समरी तैयार करके वज़ीर आज़म को मंजूरी के लिए भिजवाई। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने यह समरी राय लेने के लिए लॉर्ड विजन को भेजी। लॉर्ड विजन ने इस समरी में खामियों की निशानदेही की और बताया कि ये इस्लाहात मौजूद सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स पर लागू नहीं की जा सकती। वजह यह है कि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है कि कोई नई पॉलिसी बनाकर मुलाजमीन को पहले से हासिल शुदा हकूक से महरूम नहीं किया जा सकता। लॉर्ड विजन का ख्याल है कि अगर किसी ने पेंशन रिफॉर्म्स को अदालत में चैलेंज कर दिया तो गवर्नमेंट इस केस का दिफा नहीं कर पाएगी। हाँ, गवर्नमेंट के पास एक ऑप्शन है कि ये रिफॉर्म्स आइंदा भर्ती होने वालों पर लागू कर सकती है। ये थी पेंशन इस्लाहात की बैकग्राउंड। अब हम चलते हैं मौजूदा सूरत हाल की तरफ। सूबाई हुकूमतें भी वफाक की तर्ज पर पेंशन रिफॉर्म्स पर काम कर रही हैं। पंजाब काबीना की आइंदा मीटिंग का एजेंडा इस वक्त मेरे सामने मौजूद है। इस एजेंडा के 2-3 पॉइंट्स मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। एजेंडा आइटम नंबर 6 है, अमेंडमेंट्स इन द पंजाब सिविल सर्वेंट्स एक्ट 1974, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पंजाब पेंशन रिफॉर्म्स प्लान 2022-25, यानी पंजाब सिविल सर्वेंट एक्ट में तरमीम होने जा रही है। दूसरा ये कि 2022 से 2025 तक प्लान है पंजाब में पेंशन रिफॉर्म्स नाफिज करने का। सिविल सर्वेंट एक्ट में तब्दीली और पेंशन इस्लाहात का निफाज, मीटिंग में इस पर गौर किया जाएगा। अब आ जाएं एजेंडा आइटम नंबर 22 पर। यह है अमेंडमेंट्स इन द पंजाब सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स। जी हाँ, पेंशन रूल्स में तब्दीली होने जा रही है। पिछले एहतजाज के बाद गवर्नमेंट ने मुलाजमीन के साथ मुज़ाकरात और काबले अमल हल तलाश करने के लिए कमेटी बनाई थी कि ये कमेटी गौर व फिक्र करे कि मुलाजमीन के मुतालबात क्या हैं, क्या वो मुतालबात जायज़ हैं, अगर जायज़ हैं तो उनकी समरी तैयार करके उनका एक काबले अमल हल सलूशन पेश किया जाए। अब तक मुलाजमीन के नुमाइंदों के साथ इस कमेटी की एक मीटिंग हो चुकी है। मुलाजमीन तो उम्मीद लगाए बैठे थे कि शायद LPR और लीव इनकैशमेंट का मामला हल हो जाए, मगर गवर्नमेंट तो मज़ीद पेंशन रूल्स में तब्दीलियाँ करने जा रही है। पंजाब कैबिनेट की मीटिंग की नेक्स्ट एजेंडा आइटम है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कैश मैनेजमेंट फंड CMF फॉर इन्वेस्टमेंट ऑफ सरप्लस फंड्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। पंजाब गवर्नमेंट के इजाफी फंड्स को इन्वेस्ट करने के लिए कैश मैनेजमेंट फंड यानी CMF कायम किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में कंट्रीब्यूटरी पेंशन फंड यानी CP फंड कायम किया गया है। अब भर्ती होने वाले नए मुलाजमीन की तनख्वाह से कटौती इसी फंड को जाती है और रिटायरमेंट पर ग्रेचुटी और पेंशन भी CP फंड ही अदा करेगा। इस तरह सरकारी ख़जाने पर पेंशन का बोझ नहीं पड़ेगा। बाकी सूबे भी इसी तर्ज पर काम करने जा रहे हैं। नाजरीन, ये थी पेंशन रिफॉर्म्स के बारे में मालूमात। अगर आप ऐसी मालूमात में इंटरेस्टेड हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, कॉमेंट करके अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह करें। इजाज़त चाहूँगा, अपना ख्याल रखें, खुश रहें। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।